हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। तो आज की ये वीडियो शॉर्ट्स क्रिएटर के लिए बहुत जरूरी वीडियो है, बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। जो यूट्यूब क्रिएटर अपने यूट्यूब चैनल पे शॉर्ट्स अपलोड करते हैं या फिर लॉन्ग वीडियो के साथ साथ शॉर्ट्स भी अपलोड करते हैं और वो अपने शॉर्ट्स में म्यूजिक या सॉन्ग यूज करते हैं, उनके लिए एक नया प्रॉब्लम आ गया, नॉन शॉर्ट्स पॉलिसी। तो ये क्या है और इससे शॉर्ट्स क्रिएटर को क्या नुकसान हो सकता है और इसे कैसे रिमूव किया जा सकता है, कैसे हटाया जा सकता है, तो ये सारा सब कुछ डिटेल में आगे इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूं। तो वीडियो के साथ बने रहिए। आगे जो अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिएगा और जो चैनल में नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अब वीडियो को करते हैं शुरू। हेलो फ्रेंड्स, तो फर्स्टली मैं स्क्रीन रिकॉर्डर ऑन कर देता हूं ताकि आप लोग को अच्छी तरह दिखा करके समझा सकूं कि वो प्रॉब्लम कहां पे आ रहा है। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, मैंने स्क्रीन रिकॉर्डर ऑन कर दिया। अब YT स्टूडियो ऐप ओपन करते हैं। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, मैंने YT स्टूडियो ऐप ओपन कर लिया हूं और यहां पे मेरा YouTube ब्लॉग चैनल लॉगिन है। मैं अपने इस ब्लॉग चैनल पे लॉन्ग वीडियो के साथ साथ शॉर्ट्स भी अपलोड करता हूं। इसमें ब्लॉग्स डालता हूं और शॉर्ट्स डालता हूं और शॉर्ट्स में म्यूजिक और साउंड भी एड करता हूं। अब यहां नीचे कंटेंट को सिलेक्ट करते हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हो, देन ऊपर सोर्स को सिलेक्ट कर, तो इस तरह का इंटरफेस आया। जो भी सोर्स मेरे ब्लॉग चैनल पे है वो यहां पे शो हो रहा है, जो कि आप लोग देख पा रहे हो। तो यहां पे मैं इस सोर्स को ओपन करता हूं क्योंकि तो इसमें वो प्रॉब्लम आया हुआ है। तो देखिए इस तरह का इंटरफेस आया। ये सोर्स का यहाँ पे टाइटल भी शो हो रहा है, उसके साथ जो हैशटैग हम लगाए हैं वो भी शो हो रहा है। उसके नीचे आइए, देखिए विजिबिलिटी है पब्लिक, उसके नीचे रेस्ट्रिक्शंस है जो है नॉन सोर्स पॉलिसी। एक्चुअली यहाँ पे नॉन रहना चाहिए लेकिन यहाँ पे है नॉन सोर्स पॉलिसी। तो यही नया प्रॉब्लम है जो कि देखने को मिल रहा है और आप लोग देख पा रहे हो। तो यदि आप भी अपने YouTube चैनल पे सोर्स अपलोड करते सोर्स क्रिएटर है तो पक्का ये चीज चेक कीजिए। और मुझे आशा है कि आप जब मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप पक्का अपने यूट्यूब चैनल पे सोर्स तो अपलोड करते ही होंगे। तो मैं आप लोग को दिखा दिया कि ये प्रॉब्लम कहाँ पे आ रहा है और मेरे ब्लॉग चैनल के शॉर्ट्स में भी ये प्रॉब्लम आया हुआ है जो कि आप लोग देख लिए। तो अब आगे जानते हैं कि ये है क्या और इससे क्या प्रॉब्लम हो सकता है, क्या दिक्कत हो सकता है और इसे हटाना चाहें, इसे रिमूव करना चाहें तो हमें क्या करना होगा। तो वीडियो के साथ बने रहिए। तो फर्स्ट में हम जानते हैं कि ये है क्या। तो जैसे हम कोई शॉर्ट्स क्रिएट करते हैं और उसमें म्यूजिक एड करते हैं, सॉन्ग एड करते हैं, तो YouTube का कहना है कि आप जो भी सोर्स YouTube पे अपलोड करते हैं उस सोर्स में जो म्यूजिक और सॉन्ग आप ऐड करते हैं वो YouTube लाइब्रेरी से ही ऐड कीजिए। आप जब अपने सोर्स को YouTube पे अपलोड करते हैं तो आप लोग को पता होगा कि जब आप YouTube पे सोर्स अपलोड करते हैं उस वहां पे ऑडियो ऐड करने का ऑप्शन आता है और उसी में जाकर के म्यूजिक भी ऐड कर सकते हैं और सॉन्ग भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन आप क्या करते हैं, मैं भी वो गलती किया हूं, कहीं और वीडियो क्रिएट करके और उसमें जो सॉन्ग ऐड किए हैं वो अलग जगह से लेकर के सॉन्ग उसमें ऐड करके उसके बाद अपने यूट्यूब चैनल पे उस सोर्स को अपलोड किया हूं, तो इससे ये प्रॉब्लम आया है। तो ऐसा करने के लिए यूट्यूब बिल्कुल मना ही करता है। तो इससे यूट्यूब पॉलिसी का उल्लंघन होता है जो कि मेरे से भी गलती से हुआ है। इसी वजह से मेरे सोर्स पर भी नॉन सोर्स पॉलिसी आ गया है। तो आप जब भी अपने YouTube चैनल पे कोई सोर्स अपलोड करते हैं तो आप सोर्स कहीं भी क्रिएट करें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप जो म्यूजिक और सॉन्ग ऐड करते हैं वो आपको YouTube लाइब्रेरी से ही लेना है। जब आप सोर्स को अपने YouTube चैनल पे अपलोड करते हैं तो उस टाइम ऑडियो के ऑप्शन में जाकर के वहां से ही म्यूजिक या सॉन्ग लीजिए, वहां से ही म्यूजिक और सॉन्ग को ऐड कीजिए, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, फिर आपके सोर्स पे नॉन सोर्स पॉलिसी नहीं आएगा। तो शायद आप लोग समझ गए होंगे कि नॉन सोर्स पॉलिसी क्या है। अब आगे सेकेंड में जानते हैं कि यदि नॉन सोर्स पॉलिसी आपके सोर्स पे आ गया तो इससे क्या प्रॉब्लम हो सकता है, इससे क्या दिक्कत हो सकता है। तो जब आपके यूट्यूब सोर्स पे नॉन सोर्स पॉलिसी आ जाता है तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका चैनल यदि मोनेटाइज है तो मोनेटाइज ही रहेगा और जो उस सोर्स से आपकी अर्निंग हो रही है वो भी होगी। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है कि आपके जिस सोर्स पे नॉन सोर्स पॉलिसी आया है तो वो क्यों आया है,
क्योंकि आपने अपने सोर्स में जो म्यूजिक ऐड किए हैं, जो सॉन्ग ऐड किए हैं, वो आप कहीं अलग से ऐड किए, कहीं और से डाउनलोड करके आप अपने सोर्स में उस सॉन्ग को या उस म्यूजिक को ऐड किए हैं, तो उस म्यूजिक या सॉन्ग का जो ओनर है वो आपको कॉपीराइट दे सकता है, तो प्रॉब्लम यहाँ पे खड़ा हो जाता है। ठीक है, तो इन फ्यूचर आप इसका ध्यान रखेंगे, जो भी आप सॉन्ग या म्यूजिक अपने सोर्स में ऐड करेंगे वो आप यूट्यूब लाइब्रेरी यूट्यूब से ही लें। आगे आप थर्ड में जानते हैं कि यदि आपके यूट्यूब सोर्स पे नॉन सोर्स पॉलिसी आ गया तो उसे आप यदि रिमूव करना चाहें, हटाना चाहें, तो आप कैसे हटा सकते हैं। तो उसको हटाने के लिए एक ही रास्ता है, आपको उस सोर्स को अपने YouTube चैनल से हटाना होगा, उसे रिमूव करना होगा। तो आज की इस वीडियो में मैंने जो कुछ भी आपको बताया, आई होप कि आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। आगे ये वीडियो आपको कैसा लगा पक्का कमेंट कीजिएगा, और यदि थोड़ा भी अच्छा लगा होगा तो लाइक और शेयर भी कर दीजिए, और जो नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आप इस वीडियो को करते हैं एंड, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू, जय हिंद।